हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज हम करने वाले हैं इसको हाइपर तरीके से टेस्ट, मतलब हाइपर राइड करने वाले हैं। और ये टेस्ट करेंगे भाई कि क्लच प्लेट डालने के बाद कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना नहीं। वह तो उसका रिव्यू मैंने कर दिया है, किन भाई को डलवानी चाहिए किन भाई को नहीं वो बताना कॉमेंट सेक्शन में। वो बता दिया मैंने अपनी वीडियो में, अगर नहीं देखी तो वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगी, एंड स्क्रीन पर ही मिल जाएगी। और वीडियो इसमें बना के डाल रखी है। फिलहाल मैं आज बाइक को दिल्ली के ट्रैफिक में, खचाखच ट्रैफिक में, जो रनिंग वाला ट्रैफिक है, इसमें चला के देखेंगे और बताएंगे आपको कि भैया कैसी चल रही है कैसी नहीं। रिस्पॉन्स आप देख लेना, मैं नहीं भी बता पाऊँ तो आप समझ जाओगे देख के कि भाई वाकई में गाड़ी सही चल रही है कि नहीं सही चल रही। भाई गाड़ी बहुत सही चल रही है, बस थोड़ी लहर रही है पीछे से, क्योंकि गाड़ी जो तेज़ चल रही है। और कहीं ना मुझे ना अपनी बाइक के शॉकर जो है ना पीछे वाले, वो चेंज कराने दोस्तों। ओ भाई जो बात है, मतलब सर्विस कराई मैंने एक तरह से गाड़ी की, इंजन ऑयल नहीं डल गया और क्लच प्लेट नहीं डल गई है, पांच डल गई हैं। उसके वजह से पिकअप तो अच्छा हो गया है, पता नहीं क्यों मेरा मतलब एक वो है क्या नाम है, अंधविश्वास वो क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं क्यों मेरा को एक डाउट हो रहा है कि आवाज़ कैसे बढ़ गई इसकी, पहले से ज़्यादा बेहतर आवाज़ दे रही है बाइक। और अगर बात करें स्पीडिंग की तो देखो 80 चल रही है, और क्रूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे हाथ पे, और क्या बोलते हैं मेरे पैरों पे बिल्कुल भी वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हो रही, क्योंकि एक एक नट बोल्ट इसका टाइट हो रहा है ओके रिपोर्ट में। और इंजन से कोई आवाज़ नहीं फालतू, और ना ही इंजन से कोई वाइब्रेशन मिल रही है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस भी आपके सामने ये देख सकते हैं आप, मतलब कि काफ़ी क्विक जो है ना रिस्पॉन्स कर रही है बाइक, पहले से ज़्यादा बेटर चल रही है अब, ठीक है ना। एक मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले वाली, उसमें मैंने रिव्यू किया था, तो उसमें ज़्यादा तेज़ नहीं भगाई थी, बट मैंने कहा एक मोटो व्लॉग ऐसा करा जाए आप लोगों के लिए जिसमें आप परफॉर्मेंस चेक कर पाएँ और देख पाएँ कि वाकई में गाड़ी चलने में तो यार अच्छी हो गई है। देखो टॉप एंड में टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क है पता किसमें, इनिशियल में, चाहे वो व्हीली पॉप करने के लिए हो, चाहे वो एकदम से खींचने के लिए हो, मतलब कि 0 to 50 तो बहुत जल्दी जा रही है, बहुत जल्दी जा रही है। अराउंड बोलूँ तो 4-5 सेकेंड में चली जाती है ये, 4-5 सेकेंड बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 4 सेकेंड मान लो कि 0 to 50 या 60 की स्पीड जो अचीव कर लेती है। बाकी अभी दोबारा मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ना मैंने खुद नहीं चेक किया तो अभी चेक भी कर लेते हैं ऑन कैमरा, थोड़ा रोड खाली होने दो। ये देख रहे हो, देखो ये दूसरा गियर है, अच्छी चल रही है भाई जो हुआ था, ये देखो। और गियर का जो एक रेशियो होता है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा वो भी बढ़ गया है, मतलब कि स्ट्रेच बढ़ गया है, खींचे जाओ देखो ये तीसरा गियर है, तीसरे गियर पे 70 पहुंच गई है, 70-75 हो गई थी लो। तो बाइक के पिकअप में तो भाई जो बात है फर्क पड़ा है, बट फील्ड वाले बंदे ना कराएं, क्योंकि यार देखो भाई भगाने में एवरेज गिर जाएगी और तुम्हारा कहीं ना कहीं पेट्रोल ज़्यादा लग जाएगा, तो फील्ड की नौकरी में तुम्हारा बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ज़्यादा जो है ना भगाएं फील्ड वाले भाई, और ना ही ये वाला काम कराएं, खाली टाइम सर्विस कराएं, वो सब ठीक है। बाकी मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए भाई, देख लेना। बाकी इस वीडियो में हम चेक करेंगे 0 to 50 कितने सेकंड में जा रही है, कुछ आइडल लेते हैं ना। रोकूं क्या, आगे रुकता हूँ थोड़ा सा, रोड खाली होने दो। हाँ ये ठीक है, पहले गियर पर देखते हैं, पहले क्या दूसरे पर देख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, पहले दूसरे पर। तो भाई यहाँ देखता हूँ मैं कितने सेकंड में जा रही है, अंदाजा लगा रहा हूँ मैं, अंदाजा कोई मतलब ऐसा नहीं एक्यूरेट बता रहा हूँ, अंदाजा बताऊँगा। ये तो मैं उठाई गलत, भाई कम से कम 6 या 7 सेकंड में जा रही है मेरे हिसाब से, तो फिर भी मतलब पहले से फास्ट है, पहले से फास्ट है। कुछ मैंने उठाई इसको स्लो, इस वजह से मतलब लॉन्च जो है वो काफ़ी स्लो करा। अब आप बोलोगे लॉन्च स्लो क्यों करा, भाई वो इसलिए करा गाड़ी खड़ी हो जाती है बात बात पर, नहीं यकीन आ रहा ना तुम्हारे को कि खड़ी हो जाती है, अभी दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा रोड खाली होने दो, क्योंकि ऐसे रोड पे फील ही करना सही नहीं है, हमारे लिए भी सही नहीं है और दूसरे बंदे के लिए भी सही नहीं है। अरे भाई कहाँ बैठा हुआ है, बाकी चल अच्छी रही है जो बात है, और शॉकर तो तुम्हें पता चुम्मी है इसके। ये देखो कितना लंबा स्ट्रेच है, देखो भगाई जा रहा हूँ मैं, 80 पहुँचा दी लो भाई, और अरे 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 80 चक्कर में सामने उन्होंने, अरे गुब्बारा मत मार देना भाई। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये देखो स्ट्रेच, देखो स्ट्रेच, ये तीसरा गियर है, तीसरे में 70, अभी क्लाइंबिंग कर रही है, मतलब फ्लाईओवर पे चढ़ रही है, 75, अभी यही क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
तो पिकअप परफॉर्मेंस एक नंबर है दोस्तों, देख सकते हैं आप। हाइपर राइड करी रहा हूँ मैं इससे, 90 पहुँच चुकी है बाइक हमारी। मैं लीन भी नहीं हो रहा अभी बाइक के ऊपर, होता ना कि भाई लीन हो जाऊँ मैं तो और स्पीड बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है, बट मुद्दा ये है कि बिना लीन हुए 90 जा रही है देखो, और 90 में बढ़िया क्रूज़ कर रहा हूँ। और अभी भी बाइक जो है भगी रही है, मतलब स्पीड जो है इसकी बढ़ी रही है। बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ी सी क्लाइंबिंग, ये मज़ेदार भाई, मज़ेदार। सैल्यूट है भाई अपने देश के झंडे को, क्या मस्त लहरा रहा है माशाल्लाह से, बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या है ऐसे ट्रैफिक में आपको भगानी गाड़ी, इनिशियल पिकअप अच्छा होना चाहिए, तो उसमें आपको हेल्प करता है ये 5 लीटर प्लेट वाला हिसाब किताब जो है ना, उस चीज़ में आपको हेल्प करता है। अगर वैसे आपको टॉप एंड में चाहिए तो भाई टॉप एंड के लिए फिर अलग चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर भी वीडियो आएंगी आने वाले टाइम में। मैंने उस्ताजी से बोल दिया कि भाई करो R&D, क्योंकि R&D के बिना कुछ नहीं है भाई मुमकिन। देख रहे हो, और क्या स्पीड चाहिए भाई स्प्लेंडर से आपको, 97.2 सीसी का इंजन है ओनली। क्या बात है भाई, पिकअप देख रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। ना चलने ना चलाने, सुट्टा मार रहा लौंडा बैठ के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसकी जो परफॉर्मेंस अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल बनना है, सब्सक्राइब करना है। बाकी कराना हो काम करा सकते हो, नहीं कराना मत कराओ, लेकिन फील्ड वाले, ऑफिस वाले, फैमिली वाले भाई लोग ना कराएं, पैसे बर्बाद हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या बात है भाई, क्या चल रही है यार, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। कुछ तुम्हारा भाई भी चला रहा है ख़तरनाक ना, तुम्हें बताया कि जहाँ मैं बैठ जाऊँ बस बात ही अलग हो जाती है फिर। बाकी भाई इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा हो गया है, अब थोड़ा अंदर लूँगा और आपको एक मारूंगा व्हीली, मतलब आपको नहीं मारूंगा, एक इस पर व्हीली मारूंगा, आपको दिखाऊंगा व्हीली कि भाई पिकअप कितना अच्छा हो चुका है। फिलहाल थोड़ा सा फ्लैट सरफेस आ जाए, तेरी दूसरे में उछल गई भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा भाई पिकअप कितना बढ़ चुका है इसका, और चलने में काफ़ी अच्छी हो चुकी है, मतलब जैसा मैंने चाहा था वैसी हो चुकी है। बाकी ये है कि भाई आपके ऊपर है, आपको कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ, मेरा काम तो बताना, मैंने बता दिया। बाकी ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा बड़ा वीडियो रखा नहीं मैंने इस वजह से। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। बिकॉज ज़्यादा व्हील इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पता क्या यार, आजकल ना येलो डॉलर आ जाता है, एक तो वैसी इनकम नहीं है उस इसमें, ऊपर से पता चले येलो डॉलर आया तो और दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा व्हीली पॉप नहीं कर रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा। और नहीं पता चला तो बता ही रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि भाई कोई फ़ायदा नहीं होता, इतनी मेहनत करो और उसके बाद अगर येलो डॉलर आया तो फिर दिक्कत हो जाती है, सो दैट इसलिए मैंने ज़्यादा व्हीली पॉप नहीं करी है। बाकी बाइक चलने में बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, ठीक है, चलो बाय।